बैतूल जिले के चिचौली में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के आई बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर कलेक्टर के निर्देश पर शिक्षा अधिकारी डी के शर्मा ने समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में प्राचार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें ब्लॉक के शासकीय 15 स्कूलों में 10वीं कक्षा का परिणाम 70% तथा 12वीं कक्षा का परिणाम 65% रहा। इसमें छात्र छात्राओं ने अव्वल आने पर कलेक्टर डॉक्टर जैसे पद पाने का सपना बनाया है। 12वीं में ब्लॉक में पहले स्थान पर आशीष उइके ने 500 में से 467 अंक लेकर 93.4% अंक पाए, तो वहीं दूसरे स्थान पर शिवानी ख्याली चौरे ने 500 में से 434 अंक पाए हैं। भूमि गणेश राठौर ने 500 में से 430 अंक लेकर 86% के साथ तीसरा स्थान पाया, जिन्हें स्कूल के प्राचार्य और स्टाफ ने मिठाई खिलाकर बधाइयां दी हैं और उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। मैं 4 से 5 घंटे पढ़ाई करती थी डेली और डेली स्कूल जाती थी और टीचर्स का भी बहुत योगदान रहा है और घर के पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। तो आप क्या कहना चाहोगे अब आने वाले जो बच्चे हैं स्कूल में, इन लोगों को क्या संदेश के रूप में देना चाहोगे और आगे क्या बनना है आपको, क्या सपना है आपका? मैं यही बोलना चाहती हूँ बच्चों से कि डेली स्कूल आना ज़रूरी है, क्योंकि टीचर्स भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं और घर पे भी सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। मैं आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सर, मैं 2nd नंबर पे आई, फिर मुझे अच्छा लग रहा है, फिर भी मैं चाहती थी कि मेरे और भी परसेंटेज बने और मैं 4 से 6 घंटे तक पढ़ती थी। तो आगे क्या सपना है आपका, आगे क्या करना है आपको? सर, मेरा आगे सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं और डॉक्टर की महिला में कमी है जो पूरी करना चाहती हूँ। अच्छा, और आप इसका श्रेय किसको देना चाहोगे, आपने जो पढ़ाई की और आज मुकाम हासिल किया है तो? सर, मैं टीचर्स और पेरेंट्स का करना चाहती हूँ, जिसने मुझे इतना मोटिवेट किया और समय दिया। तो आगे क्या योजना है आपका, अपने जो भाइयों को क्या संदेश के रूप में कहना चाहोगे जो? सर, मैं कहना चाहूँगी कि वो डेली स्कूल आए और टीचर्स और सर का मतलब आदेश माने और अच्छे से पढ़ाई करे, रेगुलर स्कूल आए, बस यही कहना चाहूँगी। मेरा नाम आशीष के है, मैं ग्राम सदमुरी का रहने वाला हूँ। मैं क्लास 12th एक्सेल स्कूल चिचोली में पढ़ रहा था और मैंने 12वीं में 93.4% स्कोर किया है। इस सभी का श्रेय मैं अपने टीचरों को और अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया और मुझे सपोर्ट किया, और मैं बड़ा होकर कलेक्टर बनना चाहता हूँ। आगे आपको कलेक्टर बनना है? यस। है ना, तो और कैसा महसूस कर रहे हैं आप, मतलब ये अच्छा लग रहा है वैसे तो? इस बार हमारे विकासखंड का चिचोली का 10वीं में 70 से अभव रिजल्ट आया हुआ है सभी स्कूलों को, जो हमारे 15 स्कूल हाई स्कूल हायर सेकेंडरी संचालित हैं और जो 8 हाई सेकेंडरी स्कूल संचालित हैं उनका हमारा 66% के लगभग रिजल्ट आया है। निश्चित तौर पर यह हमारा जो राज्य का रिजल्ट है 10th और 12th का, उससे हमारा रिजल्ट जो है हाई गया है। इसमें जो रिजल्ट इस बार हमारे विकासखंड का अच्छे आने का कारण है, उसका मूल मेल कारण है कि हमारे माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जो निर्देश हमें समय समय पर दिए गए और जो उन्होंने योजना बनाई कि किस तरीके से हमें रिजल्ट को अच्छे लाने का प्रयास करना है, उस पर हमने प्राचार्यों से हर माह उनकी बैठक ली गई और बैठक में उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को उनको सबको अवगत कराया और हमारे प्रधान, हमारे सभी प्राचार्यों ने और हमारे सभी शिक्षकों ने बच्चों को इस तरीके से तैयार किया कि अपन इस अच्छा रिजल्ट लेकर आए। तो उसी का परिणाम है आपके सामने कि हमारे विकासखंड का रिजल्ट 70% से ऊपर आया है और 12th का रिजल्ट 65.78 आया है।